नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24x7 न्यूज में। आज 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मसूरी के शहीद स्थल और गांधी चौक पर नगर पालिका परिषद द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं राज्य आंदोलनकारियों को भी याद किया गया। आज स्थापना दिवस पे सबसे पहले मैं सभी को बहुत बधाई दूंगा, सभी राज्य के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और इन 21 वर्षों में उत्तराखंड ने काफ़ी विकास विकसित हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, रोड्स के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो। और जो वर्तमान सरकारें हैं, जो आने वाली सरकारें हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप जो भी कार्य करें उत्तराखंड के हित में करें। उत्तराखंड का विकास सर्वोपरि है और हम सबको निष्ठा से, ईमानदारी से अपने प्रदेश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। 2200 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले तो हम उन तमाम शहीदों के, प्रदेश के शहीदों को नमन करते हैं जिन शहीदों की वजह से ये राज्य प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात हम उन तमाम साथियों को भी याद करते हैं जो आंदोलनकारी साथी रहे, जेल गए, पुलिस की लाठी डंडे खाए, और जो आंदोलनकारी साथी रहे उनको भी हम आज याद करते हैं कि उनके सहयोग से और सभी राजनीतिक दलों के सभी मातृशक्ति, बेरोजगार साथी, सभी लोगों को हम याद करते हैं कि उनके सहयोग और प्यार से एक राज्य बना। और राज्य को आज 21 साल हो गए, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमने इस 21 साल में क्या खोया, क्या पाया है। क्या हमारी मातृशक्ति की सोच थी, क्या हमारी यूथ की सोच थी, क्या हमारे तमाम आंदोलनकार साथियों की सोच थी कि हमारा उत्तराखंड जो राज्य बनेगा हमारे सपनों का राज्य बनेगा। पर लेकिन कहीं पर भी, आज भी कहीं पर भी वो उत्तराखंड जो हमारी एक सोच थी, जो हम जिस सोच के साथ हमने लड़ाई लड़ी, आर हम उसमें कहीं पर भी खड़ा नहीं उतरे। चाहे कोई भी सरकारें रही हों, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, आज भी हमारे जो सोच थी उस सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज सरकार को सोचना पड़ेगा आने वाले समय पे किस राज्य को किस दिशा और दशा की ओर ले जाना है।